समाज में देखा जाए तो शुरू से ही ससुराल वालों की तरफ से औरतों पर अत्याचार होते आए हैं। ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया है, जिसमें शिवनगर कॉलोनी इस्लामाबाद की ही रहने वाली सान्या पुत्री गोपाल किशन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उसको अपने ससुराल वालों की तरफ से तंग परेशान किया जा रहा है। सान्या ने पत्रकारों को बताया कि उसकी शादी 3 जून 2015 को राकेश कुमार पुत्र टोला राम बी ब्लॉक 317 बी के साथ पूरे रीति रिवाज के साथ हुआ था और अपने हैसियत के मुताबिक दान दहेज भी दिया गया था, मगर शादी के कुछ समय के बाद ही उसके ससुराल वालों ने उसे तंग परेशान करना शुरू कर दिया। कई बार उसके पति द्वारा पैसों की मांग को लेकर भी उसके साथ मारपीट की गई। कई बार उसके पिताजी ने उनकी मांगों को पूरा भी किया। हद तो उस वक्त हो गई जब उन्होंने एक के बाद एक गाड़ी और 5 लाख रुपए की मांग करनी शुरू कर दी। जब उसके पिताजी ने उनकी इन मांगों को पूरा नहीं किया तो उसके पति और उसके घर वालों ने उसे मार पीट कर घर से निकाल दिया। सान्या ने बताया कि जब उसे घर से निकाला गया था तो वो माँ बनने वाली थी। उसके बाद उसके घर एक बेटा पैदा हुआ जो आज 7 महीने का है, जिसको देखने के लिए आज तक उनके घर से कोई भी नहीं आया। आज 1 साल हो गया है और वो अपने माता पिता के घर बैठी है। सारे मतलब राकेश जड़े ओदे मदर है सारे मैनू तंग करदे आ, दाज मंगदे, इन्हां ने मार कुट के मैनू घरों कढ दित्ता होया। ते की नाम की है तुहाडे घर वाले दा? राकेश कुमार। की काम करदे? रेलवे च जॉब करदे आ, गवर्नमेंट जॉब है। कदों मैरिज होई तुहाडी? मेरी 3 जून 2015 च मैरिज होई है इन्हां दे नाल। हां जी, की होया उस तों बाद? ते उस तों बाद इन्हां ने सारे ने मैनू तंग करना शुरू करता, जिहड़ा मेरा जेठ नाना मेरियां सस ये सारे ने मैनू मार कुट के घरों कढ छड्या सी। जदों मैं प्रैगनेंट सी तो मैनू इदां ही मतलब धक्के देते इन्हां ने घरों कढ दिता हैगा, ना ही कोई बेटे नूं वेखण वास्ते आया आ। तो ये हुण साढ़े कोलों दाज मंगदे आ, मुंडा गड्डी मंगदा, जिहड़ा मेरा हसबैंड है वह गड्डी मंगदा वा कि 5 लाख रुपया लैके आ, गड्डी लैके आ, फिर मैं तैनू रखना वा, तो उदा नहीं रखना, उदा मैनू डिवोर्स चाहीदा हैगा वा। तो इस करके इन्होंने मैं बहुत ज़्यादा तंग किया होया वा। मैनू घर आए 1 साल हो गया। हां जी, एक बेटा मेरा 7 महीने का। ठीक है, तुसी की चाहते हो? असी चाहते हैं यही कि सानू इंसाफ दवाया जावे, साड़ी किते सुनवाई नहीं हो रही। ठीक है। हां जी, जड़ी दाज मतलब मंगदे आ, पैसे मंगदे आ। पापा ने कई बारी पैसे दिते इन्हां नू, कई बारी पापा ने मतलब जे मैनू कुछ भी हो जांदा या सारा खर्च मेरे घर दे करदे। मेरे पापा प्राइवेट जॉब करदे, आपां 3 सिस्टर आ, 1 ब्रदर आ मेरा। ते सानू सारिआं नू इन्हां को खतरा हैगा वा, जदों मैं रस्ते च जानी आ तां वी ये सानू तंग करदा है। रस्ते च मुंडा राकेश उहदा ब्रदर है जिहड़ा, उह वी तंग करदा वा कई बारी सानू रस्ते च। ते इन्हां ने सानू बहुत ज़्यादा तंग कीता होया वा। सान्या ने कहा कि वो प्रशासन से मांग करती है कि उनसे और उसके बच्चे को इंसाफ मिले। अमृतसर से सरी सहोता, जीवे पंजाब के लिए। हमसे पहले कोई करके दिखाए, जब कहीं नहीं हो समाधान तो आपकी हर समस्या का होगा समाधान यहाँ। नो फीस नो चार्ज, 11 घंटों में 101% समाधान। स्पेशलिस्ट किया किराया, प्रेम विवाह, सौतन का दुख, प्रेम संबंध, मनचाहा प्रेम विवाह या वशीकरण, नौकरी या कारोबार। पंडित महागुरु जी 9781464992, 9779838723।